ओके ओके, लाइन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ओके लाइन नंबर वन यहाँ पर क्या कर रहा है कि व्हाट इज एक्सप्रेस, वो जानना जरूरी है पहले, ठीक है। तो बेसिकली एक्सप्रेस इज अ नोड जेएस वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, नॉट नॉट अ सिंगल फ्रेमवर्क। मतलब ऐसे हमें अनडिफाइंड, मतलब अनडिफिनेटली बताना नहीं है कि इज बेसिकली अ फ्रेमवर्क फॉर नोड जेएस, ठीक है। नोड जेएस का फ्रेमवर्क बहुत, मतलब और भी है, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक्सप्रेस ही क्यों यहाँ पर, क्योंकि एक्सप्रेस एक वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, जो वेब एप्लीकेशन हम बेसिकली ऐप डेवलपमेंट या वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, अगर तुमने एक फोटो फ्रेम देखा है तो फोटो फ्रेम ये डिफाइन करता है कि जो एग्जैक्ट फोटो होगा वो कौन सी शेप का होगा, राइट? एम आई राइट? सभी मतलब प्रॉपरली ऑडिबल होना मैं? हाँ, यस सर, तो एग्जैक्टली ये डिफाइन किया जाता है कि फोटो का जो शेप है वो राउंड शेप रहेगा या रेक्टेंगल रहेगा, या उसका क्या विड्थ रहेगा, क्या लेंथ रहेगा, वो सब कुछ डिफाइन किया जाता है, राइट? तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेस है वो एक, हम जो जिस नोड जेएस के अंदर हमने जो कोड लिखा है उसका एक ये आउटलाइन ड्रॉ कर देता है कि इस आउटलाइन के बाहर तुम जा नहीं सकते, और एक्सप्रेस के अंदर कुछ इनबिल्ट मतलब हाइब्रिड वेब एप्लीकेशन रहता है, ठीक है, जो हम थ्रू आउट अवर कोड यूज करते हैं। यानी कि ये तुम ऐसे कर सकते हो, बेसिकली इट्स अ लाइब्रेरी पैकेज एंड इट कंजीस्ट एज वेल एज विद द फ्रेमवर्क, इट प्रोवाइड्स ऑल्सो अ ब्रॉड फीचर्स फॉर बिल्डिंग वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशंस। एक्सप्रेस के अंदर बहुत सारी ऐसे मतलब इनबिल्ड फीचर्स है जो हम वेब एप्लीकेशन एंड मोबाइल एप्लीकेशंस क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। सो दैट इज व्हाई हम, हमारा जो बैकएंड है, हम जो प्लेस्ड होंगे वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होगा। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का क्या हैंडल करना होगा हमें, आइदर वेबसाइट और एप्लीकेशन, एम आई राइट? तो इसीलिए यहाँ पर एज पर द प्रैक्टिस एक्सप्रेस ही सिखाया जा रहा है कि नोड जेएस के अंदर सिर्फ एक्सप्रेस ही हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताना कि एक्सप्रेस इज अ नोड जेएस वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड्स अस ब्रॉड फीचर्स फॉर बिल्डिंग वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। तो अगर यस कोई बताया जाए कि इज नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस सेम, डेफिनेटली नॉट, क्योंकि नोड जेएस एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम हमारा जो लॉजिक वगैरह है वो सब लिख रहे हैं, और एक्सप्रेस जेएस नोड जेएस का एक फ्रेमवर्क है जहां पर एक्सप्रेस हमें कुछ भी फीचर्स, इनबिल्ट फीचर्स प्रोवाइड करता है, जिस फीचर की मदद से हम ये जो बॉडी पार्सर, ये जो सब है ना, ये सब यूज कर पाते हैं, ठीक है। अगर हम एक्सप्रेस नहीं लिख देंगे ना, तो ये बॉडी पार्सर डॉट जेसन, बॉडी पार्सर डॉट यूआरएल इंपोर्टेड, ये सब काम ही नहीं करेगा। वहां पर बताएगा एग्जैक्टली मॉड्यूल नॉट फाउंड अगर तुम हिट करोगे तो, ठीक है। ये जो हम एनवायरमेंट यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, ऐप डॉट लिसन, प्रोसेस डॉट एनवायरमेंट पोर्ट, इसके लिए कोई तो तुमने अलग से कोई लाइब्रेरी पैकेज इंस्टॉल नहीं करा है ना, वो एक्चुअल में ये एक्सप्रेस से ही आता है, ये सब इनबिल्ट फंक्शन, ठीक है। तो अभी आते हैं लाइन नंबर सेकंड, एक्सप्रेस क्लियर है अभी? यस ओके, तो अभी आते हैं लाइन नंबर टू, बॉडी पार्सर। कि बॉडी पार्सर क्या है, बॉडी पार्सर बेसिकली ऑब्वियसली इट्स अ एनपीएम लाइब्रेरी पैकेज, बट बिसाइड दैट इट्स आल्सो अ थर्ड पार्टी ग्लोबल मिडलवेयर। और हम यूज क्यों करते हैं इसे, कि बॉडी पार्सर एक ऐसा लाइब्रेरी पैकेज एंड थर्ड पार्टी ग्लोबल मिडलवेयर है, जो कि जो भी हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट के अंदर जो भी हम बॉडी दे रहे हैं, ठीक है, वो क्या करता है कि जिस फॉर्मेट पे हम बॉडी को भेज रहे हैं, यानी कि जिस फॉर्मेट पे हमने रिक्वेस्ट भेजा है, उसी फॉर्मेट पे उसको पार्स करके रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर में भी स्टोर करता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर बॉडी पार्सर डॉट जेसन लिखा है, क्योंकि बॉडी पार्सर सिर्फ ऐसा नहीं कि जेसन फॉर्मेट को ही पार्स कर सकता है, पहले पार्स का मतलब क्या है ये जानना होगा। पार्स का मतलब है कि किसी और फॉर्मेट से किसी दूसरे फॉर्मेट को उसको कन्वर्ट करना, ठीक है, इसको, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्सिंग, ओके। एंड बॉडी पार्सर इज बेसिकली डूइंग व्हाट, बॉडी पार्सर ये करता है कि जो भी डेटा हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट बॉडी में भेज रहा है, मतलब भेज रहे हैं यहाँ पर थ्रू आउट अवर एपीआई या सर्वर, वो पर्टिकुलर डेटा को वहां पर प्रोसेस करता है। एंड बेसिकली बॉडी पार्सर के अंदर चार टाइप का मिडलवेयर रहता है पार्सिंग के लिए, सिर्फ एक टेक्स्ट फॉर्मेट का,
एक जेसन का, एक यूआरएल एनकोडेड का और एक रॉ डेटा का, ठीक है। रॉ डेटा मतलब अगर टेक्स्ट और जेसन को छोड़कर जो भी हम डेटा अगर दे रहे हैं तो बाकी सब, ठीक है। तो बेसिकली हम इसमें यूज कर रहे हैं जेसन एंड यूआरएल एनकोडेड, ठीक है। अभी पता चल गया कि बॉडी पार्सर डॉट जेसन क्या करता है। अभी ये बता देता हूँ कि app dot use क्यों लिखा है हमने। app dot use हमने इसलिए लिखा है कि देखो लाइन नंबर 5 में हमने एक्सप्रेस को कॉल किया है। एक्सप्रेस जो हमारा एक्सप्रेस के अंदर जो भी वहां पर इनबिल्ट फंक्शंस है सभी को यहाँ पर कॉल किया है हमने, ये const app करके इक्वल टू एक्सप्रेस ब्लैंक पैरेंथेसिस। ब्लैंक पैरेंथेसिस इसलिए क्योंकि सभी फंक्शंस को हमने एक साथ कॉल किया है, यानी कि एक्सप्रेस के अंदर जो भी इनबिल्ट पैरामीटर्स है सभी को हमने एक साथ कॉल किया है या एक साथ कॉल करके ऐप के अंदर स्टोर किया है, ओके। तो अभी ये क्या हो रहा है कि जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी अगर एग्जैक्ट हमें इनबिल्ट फंक्शन यूज करना है तो उसके अंदर एक बेसिक सिंटैक्स रहता है डॉट करके उसको लिखने का, ओके। तो अभी देखो यहाँ पर हमें जो एक्सप्रेस के अंदर जो बॉडी पार्सर या जेसन मतलब जेसन एक्सेट्रा जो भी वहां पर रहता है, अभी एक्सप्रेस का एक मॉडिफाइड वर्जन लॉन्च हुआ है जिसके अंदर बॉडी पार्सर इनबिल्ट है, तो अभी तुम्हें दोबारा npmi बॉडी पार्सर करके इंस्टॉल नहीं करना होगा अगर तुम एक्सप्रेस को अपडेट करते हो तो, ठीक है। तो अभी app dot use क्या करता है, ऐप को हम एग्जैक्ट वो कॉन्स्ट ऐप को हम कमांड दे रहे हैं कि यूज करो उसके अंदर से जो पर्टिकुलर बॉडी पार्सर नाम का जो एग्जैक्ट इनबिल्ट फंक्शन है या ऑपरेटर है सिर्फ उसको यूज करो, इसलिए हम ऐप डॉट यूज करके वो बॉडी पार्सर डॉट जेसन लिखा है हम, क्लियर। तो अभी लाइन नंबर लाइन 8 पे जा रहा हूं मैं, नेक्स्ट लाइन पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो बॉडी पार्सर सेम ऐप डॉट यूज, अभी ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पर ऐप डॉट यूज क्यों लिखा है हमने। बॉडी पार्सर डॉट यू आर एल एनकोडेड, यू आर एल एनकोडेड करता क्या है एक्चुअल में देखो कि सभी ने आई गेस गूगल ड्राइव यूज किया हुआ है, राइट। गूगल ड्राइव में क्या होता है कि अगर कोई भी फाइल एंड फोल्डर हमें सेव करना होता है गूगल ड्राइव पे तो वो अपलोड करने के बाद गूगल ड्राइव हमें एक लिंक भी प्रोवाइड करता है जिस लिंक के अंदर वो फाइल एंड फोल्डर रहता है, राइट, ठीक है। गूगल ड्राइव का भी एग्जाम्पल छोड़ दो, मान लो जेसन वेब टोकन तो सभी को पता है कि जेसन वेब टोकन एक यूनिक आईडी जनरेट करता है जिसके अंदर पेलोड सेक्शन भी रहता है, राइट। तो पेलोड सेक्शन के अंदर एज पर द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट्स वी कैन पुट एनीथिंग, राइट। वो हम यूजर आईडी भी दे सकते हैं, जनरली यूजर आईडी देते हैं, यूजर आईडी भी दे सकते हैं, यूजर का नाम कुछ भी दे सकते हैं, राइट, पेलोड सेक्शन में लोड कर सकते हैं हम। लेकिन एक्चुअल में हमें क्या पता चलता है टोकन को देख कर कि उसके अंदर क्या है, क्या मतलब क्या क्या चीज पेलोड के अंदर है हमें क्या पता चलता है, नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो टोकन है वो एक एनकोडेड फॉर्मेट पे रहता है, ओके। तो वैसे ही जब एग्जैक्टली कोई यूजर या हम अपना जो एपीआई है उसको हीट कर रहे हैं विद द बॉडी विद द रिक्वेस्ट स्ट्रक्चर, तो वो एक्चुअल जो रिक्वेस्ट बॉडी है वो एग्जैक्टली ना वो लिंक के साथ एनकोडेड फॉर्मेट में कॉल होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये बॉडी पार्सर यूआरएल एनकोडेड क्या करता है कि एग्जैक्टली जो मान लो एग्जैक्टली जो डेटा हम एनकोडेड फॉर्मेट पे यूआरएल के साथ भेज रहे हैं, ठीक है, वो पर्टिकुलरली वो डेटा को डिकोड करने के लिए उसी फॉर्मेट पे, यानी बॉडी पार्सर डॉट जेसन हमने कमांड दे दिया कि कौन सी फॉर्मेट पे हमें पार्स कराना है जो डेटा भेज रहे हैं हम उसको कौन सी फॉर्मेट पे उसको पार्स कराना है, जैसे बॉडी पार्सर डॉट जेसन ये कर रहे हैं। अभी बॉडी पार्सर डॉट यू आर एल एनकोडेड क्या करेगा कि वो देखेगा कि एग्जैक्टली जो यू आर एल हिट हो रहा है उस यू आर एल के अंदर एनकोडेड फॉर्मेट पे क्या क्या डेटा भेजा जा रहा है, तो वो सब डेटा वो एक्सट्रैक्ट करेगा एंड उसको पार्स करेगा जेसन फॉर्म में, ओके। अभी एक्सटेंडेड ट्रू क्या करता है, एक्सटेंडेड ट्रू ये करता है कि मान लो कि हम जब जो भी हम एपीआई हिट करते हैं ना तब क्या होता है, जब सर्वर रन होता है तो पर्टिकुलरली उस रिक्वेस्ट के साथ साथ सर्वर के अंदर बहुत सारा ऐसे मतलब बग्स या कैश फाइल वहां पर स्टोर हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा रेस्पॉन्स टाइम है सर्वर का वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये एक्सटेंडेड थ्रू का मतलब ये है कि मान लो अगर तुमने फर्स्ट टाइम उस सेम एपीआई को हिट किया है, ठीक है,
और दूसरी बार दोबारा उसमें दोबारा तुमने हिट किया है, तो और मान लो कि सेकेंड टाइम हिट करने पे जब तुमने फर्स्ट टाइम हिट किया था उस समय सर्वर के अंदर कुछ बग्स एंड कैश वहां पर स्टोर हो गया, ठीक है, और जब तुम सेकेंड टाइम यूज कर रहे हो, ठीक है, तो तब सर्वर को एक्चुअल रिस्पॉन्स देने में तुम्हें टाइम लग रहा है, तो सर्वर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो पहला वाला जो तुम्हारा हिटेड एपीआई है या हिटेड सर्वर है वहां से सेम डेटा को फिच करके तुम्हारे सामने दे देगा। इसलिए हम लिखते हैं एक्सटेंडेड ट्रू, यानी कि हम यूजर को अलाउ कर रहे हैं कि अगर इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ एरर एंड बग्स इन योर न्यू हिटेड यूआरएल देन यू कैन ऑल्सो फेच योर डेटा, मतलब सर्वर को अलाउ कर रहे हैं तो यू कैन ऑल्सो फेच योर डेटा, रिफेच द रिक्वायर्ड डेटा फ्रॉम द ओल्ड यूआरएल, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट लाइन तो बहुत सिंपल है, mongoose.connect mongoose लाइब्रेरी पैकेज है जो कि बेसिकली कनेक्शन बिल्ड करता है Node.js एंड MongoDB, बिटवीन Node.js एंड MongoDB। सो अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज मोंगूज, सो यू शुड से सर बेसिकली मोंगूज इज अ npm लाइब्रेरी पैकेज व्हिच बिल्ड्स द कनेक्शन बिटवीन Node.js एंड MongoDB, ओके। तो Node.js का js हो गया और वहां पर MongoDB का mongo हो गया, तो दोनों को मिला के वहां पर मोंगूज, ओके। तो ये कैसे काम करता है कि mongoose.connect इसके अंदर एक इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है, तो जिसको हम कॉल करा रहे हैं यहाँ पर, और ये कैसे काम करता है कि ये Node.js एंड MongoDB को बेसिकली कनेक्ट कर रहा है, यानी कि Node.js के अंदर जो भी हमने कोड और लॉजिक लिखा है वो सभी कोड एंड लॉजिक हमारा जो डेटाबेस है उस पर काम करना चाहिए, यानी कि MongoDB के अंदर जो भी की वैल्यू पेयर है, जो भी वहां पर फील्ड्स है, जो भी एरे कलेक्शन ऑफ एरेज ऑब्जेक्ट्स कुछ भी रह सकता है, ठीक है, तो ये Mongoose की मदद से वो सभी डेटा या फील्ड को हम एक्सेस कर पा रहे कोड लिखने के लिए, यानी कि हमारा जो लॉजिक है वो लिखने के लिए, क्लियर है, ओके। तो अभी बता देता हूं कि ये यूज न्यू यूआरएल पार्सर क्या है, ये थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है, कि एग्जैक्टली ये क्या करता है, मतलब एग्जैक्टली क्या करता है, इसका क्या फंक्शन है। तो ये यूज न्यू यूआरएल पार्सर बेसिकली जो एग्जैक्ट स्ट्रिंग पार्सर का कनेक्शन है उसको डेप्रिकेट करता है, क्या करता है, डेप्रिकेट करता है। डेप्रिकेट करने का मतलब क्या है कि जो भी हमारा यूजर है, ठीक है, उसको अलाउ करता है दोबारा कि अगर जो भी न्यू पार्सर है, ठीक है, इज बेसिकली अलाउ द यूजर टू फॉल बैक टू द ओल्ड पार्सर इफ दे फाइंड अ बग इन द न्यू पार्सर। यानी कि इसका मतलब यह है कि मान लो कोई भी न्यू पार्सर वहां पर दिया गया है, ठीक है, तो उस न्यू पार्सर के अंदर किसी भी तरीके से कोई भी बग फाइंड आउट कर पा रहा है हमारा सर्वर, तो वो क्या करेगा, यूजर को ऑटोमेटिकली वो सेम जो ओल्ड पार्सर था उसका वहां पर उसको कन्वर्ट कर देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अगर मान लो कि जो अभी करंट कनेक्शन स्ट्रिंग है, ठीक है, उसके अंदर कुछ मेजर चेंज हुआ है, ओके, और मान लो कि मेजर चेंज होने के कारण जो अभी चेंज वाला जो पार्सर है उसके अंदर कोई बग आ गया है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ये यूज न्यू आरएल पार्सर एरर देने की वजह उसको अलाउ करेगा यूजर को कि उस बग्स को ऑटोमेटिकली फिक्स करके जो एग्जैक्ट डेटाबेस है उसको दोबारा एक्सेसिबल कराए। कि ये जो एग्जैक्ट न्यू यूआरएल पार्सर ट्रू लिखा है, ये क्यों लिखा है कि यहाँ पर देखना यूज न्यू यूआरएल पार्सर लिखा है, राइट, तो इसके मदद से हम यूजर को अलाउ कर रहे हैं, यूजर को, अगर मैं मतलब सिंपल भाषा में बताऊं तो हम यूजर यहाँ पर केस को इनसेंसिटिव रख रहे हैं कि यूजर कोई भी क्लस्टर स्ट्रिंग यहाँ पर यूज कर सकता है, ठीक है, सिंपल भाषा में ये कि हमने इस केस को रेस्ट्रिक्ट नहीं करा कि अगर तुम इस कोड को हैंडल कर रहे हो तो तुम्हें इसी क्लस्टर स्ट्रिंग को यूज करके डेटाबेस को एक्सेस करना होगा, ये हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भी यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर क्लस्टर स्ट्रिंग किसका है, ये वैभव का है, राइट, ठीक है, तो मान लो कि अगले दिन वैभव का जो क्लस्टर स्ट्रिंग है वो कोड में से हटा के
विशाल ने अपना क्लस्टर स्ट्रिंग दे दिया यहाँ पर, ओके। तो अब जब मैं यूज न्यू यूआरएल पार्सेट ट्रू लिख रहा हूँ ना, इसका मतलब अगर ये सेम कोड, ये सेम एपीआई दोबारा हिट किया जाएगा, अगर कोई डेटा क्रिएट हो रहा है तो वो विशाल के क्लस्टर या मोंगोडीबी में वो डेटा स्टोर होगा। यानी कि एक टाइप से हमने यूजर को अलाउ किया है कि कोई भी क्लस्टर स्ट्रिंग, कोई भी वैलिड क्लस्टर स्ट्रिंग तुम यहाँ पर दो और तुम उसको एक्सेस कर सकते हो। लेकिन कंपनी सिनेरियो में ये नहीं किया जाता क्योंकि कंपनी का डेटाबेस फिक्स रहता है, राइट। तुम कंपनी का डेटा अपने डेटाबेस में सेव नहीं करवा सकते, राइट। तो इसके लिए कंपनी इसको एक तरीके से हैंडल किया जाता है सीनियर डेवलपर के द्वारा कि एग्जैक्टली कंपनी का जो डेटाबेस है, वैसे तो मुझे पता नहीं कि मोंगोडीबी यूज होता है कि नहीं, अगर यूज होता भी है तो उसका एक सिक्योरिटी वर्जन आई गेस होता है, नहीं तो ऐसे मतलब बहुत ही लाइट हो जाता है सिक्योरिटी हैंडलिंग। तो ये करता है कि ये केस को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है किसी भी तरीके से, आई डोंट नो दैट एग्जैक्ट प्रोसेस फॉर नाउ। सो किसी भी तरीके से इस केस को यहाँ पर हैंडल किया जाता है कि तुम इस स्ट्रिंग को, क्लस्टर स्ट्रिंग को चेंज करके एपीआई हिट ही नहीं कर सकते। जैसे अगर तुमने ये क्लस्टर स्ट्रिंग हटा के अपना क्लस्टर स्ट्रिंग दे के तुमने टर्मिनल में रन करा दिया तो फिर भी तुम्हें दिखाएगा कि मोंगोडीबी इज कनेक्टेड। यानी कि ये सिर्फ कोई भी क्लस्टर स्ट्रिंग बस चाहता है इस पर्टिकुलर फील्ड में, कोई भी दे दो, अगर मेरा भी दूंगा तो चल जाएगा। तो अभी लाइन नंबर 14 पे आते हैं कि डॉट देन क्या करता है। ये डॉट देन भी मोंगोस का ही एक ऑपरेटर, ठीक है। कि डॉट देन का मतलब कि अगर ये क्लस्टर स्ट्रिंग आ रहा है प्रॉपरली तो तुम प्रिंट करो कि हम कॉल दोबारा इसको दोबारा ये वाला फंक्शन को इन्वोक कर रहे हैं यहाँ पर और प्रिंट करने के लिए बोल रहे हैं कि अगर क्लस्टर स्ट्रिंग प्रॉपर आ रहा है उसको चेक करके तुम ये करना कि मोंगोडीबी इज कनेक्टेड। अगर क्लस्टर स्ट्रिंग वैलिड है तो तुम टर्मिनल में प्रिंट कर देना मोंगोडीबी इज कनेक्टेड, ठीक है। अगर तुमने यहाँ पर लिखना चाहो कि रॉक एंड रोल मोंगोडीबी तो भी तुम प्रिंट करा सकते हो टर्मिनल में, ठीक है। तो ये बेसिकली ये तुम्हें मैसेज देता है कि तुम्हारा मोंगोस मतलब जो मोंगोडीबी का क्लस्टर स्ट्रिंग है वो प्रॉपरली नोडजेएस के साथ कनेक्ट हुआ कि नहीं। अगर हुआ है तो वो मोंगोडीबी इज कनेक्टेड बताएगा, अगर नहीं हुआ है तो वो चला जाएगा डॉट कैच के अंदर और डॉट कैच में से यहाँ पर वो एग्जैक्टली एरर रिटर्न करेगा टर्मिनल में कि कुछ भी एरर हो सकता है कि मोंगोस नॉट डिफाइंड या कुछ भी जो भी एरर हो, ओके। अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हमने जो रूट ऊपर हमने जो कंसिडर किया है ना कॉन्स्ट रूट करके हमारा जो रूट डॉट जेएस फाइल है उसको हम यहाँ पर कॉल करा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमने जो राउटर यानी कि जो भी राउटर हमने रूट डॉट जेएस में जो भी राउटर हमने लिखा है डिफाइन किया है वो सब हम कॉल करा रहे हैं एक साथ यहाँ पर। और वो स्लैश का मतलब क्या है, स्लैश का मतलब है हम उसको ग्लोबली यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, यानी कि वो केस हमने डेफिनेट नहीं किया है। कंपनी सिनेरियो में उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर कंपनी का एग्जैक्ट जो स्पेसिफिक राउटर पाथ रहेगा वो यहाँ पर पाथ वहां पर जाएगा। जैसे मान लो कि जब भी हम राउटर को कॉल करते हैं, ठीक है, हम क्या लिखते हैं, लोकल होस्ट 3000 स्लैश उसके बाद दोबारा हमारा जो एग्जैक्ट नाम है वो सब, राइट, स्लैश देके देके लिखते हैं, है ना। लेकिन एक्चुअल में देखना कि जब भी तुम फेसबुक का कोई भी एपीआई हिट करोगे तो डेफिनेटली उसके अंदर facebook.com करके पहले आएगा, उसके बाद या गूगल में अगर कोई भी तुमने सर्च किया है क्रोम पे तो देखना वहां पर जब भी तुम किसी भी चीज सर्च कर रहे हो तो ऐसे आता है कि https. मतलब कोलन स्लैश स्लैश उसके बाद www.google.com उसके बाद दोबारा स्लैश उसके बाद सर्च करके आता है उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क आता है उसके बाद जो भी हमारा एग्जैक्ट क्वेश्चन है वो q=2 करके आता है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर www.google.com ये कंपनी का जो एग्जैक्ट लोकल होस्ट है, यहाँ पर तो हम लोकल होस्ट पे रन करा रहे हैं यानी कि ग्लोबली रन करा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हर एक कंपनी का एक रजिस्टर्ड वेबसाइट रहता है या रजिस्टर्ड कह सकते हो उसे क्या डोमेन रहता है, राइट, जिस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर ही हम सर्वर को हिट कर सकते हैं, करेक्ट। तो कंपनी सिनेरियो में तुम्हें यहाँ पर इस स्लैश को हटाकर स्ट्रिंग के अंदर वो एग्जैक्ट डोमेन नेम डालना होगा।
कि जब भी तुम यहाँ पर अपना एपीआई हिट करोगे वो डोमेन नेम वहां पर आ जाएगा, ठीक है। वो डोमेन नेम के अलावा तुम वहां पर एपीआई हिट ही नहीं कर सकते, एरर दे देगा। ओके, तो यहाँ पर ये बताना कि app dot use basically we are invoking the root folder as a global middleware, okay? As a global root we are basically calling the root function या root js file, ठीक है, ये कह सकते हैं। तो अच्छा, ये app dot listen, ठीक है, ये भी express के अंदर ही आता है, ठीक है। तो app dot listen के अंदर हम क्या कर रहे हैं, तो app dot use अभी clear है, I guess वो root का line number 19 आई गेस क्लियर है। यहाँ पर हम ग्लोबली रूट को कॉल कर रहे हैं, बस यहाँ पर वी आर कॉलिंग आवर रूट ग्लोबली, ठीक है। यानी कि कोई भी हमने कंपनी का वेबसाइट या कंपनी का डोमेन हमने मेंशन नहीं किया। App dot listen बस ये डिनोट करता है कि एग्जैक्टली हमारा जो सर्वर है उसका एनवायरमेंट क्या रहेगा, जो हमने प्रोसेस लिखा है थ्रू आउट आवर कोड उसका एनवायरमेंट क्या रहेगा। यानी कि यहाँ पर जो अगर हमने 3000 यहाँ पर मेंशन नहीं किया है तो वो क्या करेगा, app dot listen ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट पोर्ट वहां पर चूज कर लेगा जो कि करता है process.env.port फंक्शन, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली एक अपने आप से डिफॉल्ट पोर्ट चूज करके तुम्हारा जो टर्मिनल है या तुम्हारा जो मतलब एपीआई है उसको हिट करने के लिए हेल्प करेगा। और ये कह रहे हो कि अगर वो नहीं है तो उससे भी हो सकता है, और तुम 3000 पोर्ट पे भी उसको रन करा सकते हो। और उसके बाद तुमने एक फंक्शन यहाँ पर कॉल किया है जिसके अंदर तुमने ये दिया है कि अगर ये पर्टिकुलर app dot listen फंक्शन काम कर रहा है तो तुम ये कर दो कि कंसोल लॉग ये प्रिंट कर दो एक्सप्रेस app रनिंग ऑन पोर्ट, अगर तुमने 3000 मेंशन नहीं किया है तो वो डिफॉल्ट पोर्ट जिसमें वो रन हो रहा है वो प्रिंट होके आएगा, और अगर तुमने मेंशन किया है तो वो 3000 होके आएगा। अभी हम ये देखते हैं कि एग्जैक्टली ये एक्सटेंड रूट एक मतलब एक्सटेंडेड रूट करता क्या है, कि एक्सटेंडेड रूट ये करता है कि बेसिकली मतलब जो रिक्वेस्ट बॉडी हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भेजते हैं, ठीक है, बेसिकली हमने इस केस को रेस्ट्रिक्टेड नहीं रखा, ठीक है, कि अगर मान लो कि URL के अंदर जो भी हम डेटा भेज रहे हैं वो encoded फॉर्मेट पे आता है, राइट। मैंने ये भी बताया कि वो encoded फॉर्मेट पे जाता है, ठीक है। तो अभी मान लो कि encoded फॉर्मेट पे जाने के कारण जो लिंक है या बीच में क्रैश हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब तो हमारा जो डेटा है वो लॉस्ट हो जाएगा, है ना। तो अगर ये फर्स्ट टाइम होता है तो वहां पर आ जाता है 404 error page not found, जो कि हर एक सर्वर में एक कॉमन इशू वहां पर आ जाता है। आइदर ये दिखाता है या तो ये दिखाता है 502 बैड गेटवे, राइट, इंटरनल सर्वर एरर ऐसे दिखाता है। तो इस केस में ये कर रहा है कि अगर मान लो जो तुम डेटा फेच कर रहे हो या जिस डेटा तुम्हें चाहिए, जो डेटा जिसके लिए तुमने बैकएंड को हिट किया है, ठीक है, बैकएंड जिसके लिए कॉल हो रहा है वो अगर पहले आ चुका है एक बार जस्ट बिफोर द टाइम अगर आ चुका है, ठीक है, तो वो एक्सटेंडेड थ्रू क्या करेगा कि अगर बीच में किसी भी तरीके से कोई भी बग्स आ गया या एरर आ गया उस पर्टिकुलर एपीआई या सर्वर में, ठीक है, या सर्वर क्रैश हो गया, तो वो क्या करेगा कि ये इतना ही स्मार्ट है, वो क्या करेगा कि जो पिछले वाला डेटा है वो ही तुम्हें बार बार दिखाएगा, कि पेज रिफ्रेश होने के बाद भी वही डेटा तुम्हारे सामने बार बार आएगा, क्योंकि बाकी का जो अभी प्रोसेसिंग चल रहा है वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है सर्वर प्रॉपरली, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली ये करता है कि अगर तुमने एक बार उस एनकोडेड फॉर्मेट को डिकोडेड फॉर्मेट पे आपने मतलब सामने स्क्रीन के सामने विजिबल करा दिया, ठीक है, और बाद में दोबारा उसको तुम देखना चाह रहे हो जस्ट आफ्टर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड दोबारा तुमने हिट कर दिया, तो अगर उस बीच में सर्वर क्रैश भी हो गया तो तुम्हें दोबारा वही डेटा दोबारा दिख जाएगा, क्योंकि वो एग्जैक्टली क्या करता है कि जो एनकोडेड फॉर्मेट पे आया है उसको ही दोबारा तुम्हारे सामने डिकोड करके दिखा देता है, ये करता है एग्जैक्टली ये चीज, ठीक है।